ये वीडियो है फीचर फिल्म बनाने के ऊपर। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने कोई फीचर फिल्म आज तक बनाई नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा जो मैंने कोई भी अगर फिल्म बनाई है या शूट किया है, उसकी ड्यूरेशन 15 मिनट, मैक्सिमम 18 मिनट रही है। उससे बड़ी फिल्म मैंने बनाई नहीं। हाँ, थोड़े दिनों पहले मैंने एक 1.5 घंटे का मोनोलॉग जरूर शूट किया था, जहाँ पर मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ बता रहा था। कुछ क्या मतलब, जो मैं 10-15 साल से अपनी ज़िंदगी में जो कुछ कर रहा हूँ, उससे रिलेटेड मैं एक फीचर फिल्म की ड्राफ्टिंग कहूँगा या ट्रायल कहूँगा, या हो सकता है फाइनली मैं उसी को एज अ फीचर फिल्म ही ले आऊँ। तो 1.5 घंटे का वो शूट है। तो कोई भी फीचर फिल्म बनाने का कोई एक फंडा नहीं होता। आप कौन सा कैमरा यूज़ करो, आप कोई भी DSLR कैमरा, फुल फ्रेम या उससे कम फ्रेम वाला कोई भी सेंसर, मतलब एक आपके अंदर अगर जुनून है, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो मायने नहीं रखती। सबसे बड़ी बात, अगर आप फीचर फिल्म बना रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, अगर आप एक्सपेक्टेशंस रखोगे कि मैं कुछ कर रहा हूँ, उसके बदले मुझे क्या मिलने वाला है, तो थोड़ी प्रॉब्लम है। जैसे कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे काम किए हैं, ऐसे क्या, अगर ज़्यादातर मैंने ऐसे ही काम किए हैं जहाँ मुझे खुद को खुश करना था। जैसे अगर मैं किताब लिखने का सोचता था, तो मैंने अब तक काफ़ी किताबें लिख दी, वो ऑनलाइन अवेलेबल भी हैं। अब मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि कोई उसे खरीदेगा कि नहीं। ऐसे ही काफ़ी साल तक मैं सिर्फ शूट करता रहा हूँ, फिल्में बनाई। वो उन दिनों टेप्स हुआ करते थे, मिनी डीवी टेप्स बोलते थे, उससे पहले हाई बैंड था, जो भी था, मतलब मैं शूट कर लेता था। और मैं ये नहीं सोचता था कि ये फिल्म कहीं दिखेगी, मैं चलाऊं कि नहीं। लेकिन एक समय आया जहाँ पे मेरा मन कर रहा था कि मेरी फिल्म लोग देखें। तो उसका मैंने सबसे अच्छा तरीका ये सोचा था, मैंने कॉलेजेस में जाके वहीं के स्टूडेंट्स को, आर्टिस्ट लेके कुछ फिल्में शूट की जो कि सोशली रेलेवेंट थी। उनमें से एड्स अवेयरनेस से रिलेटेड थी, फिर हेलमेट से रिलेटेड थी। जहाँ पे मैं कॉलेजेस में जाता था, स्टूडेंट्स के ऑडिशंस लेता था, फिर उस पर एक 3-4 मिनट की, 8-10 मिनट की फिल्म बनाता था। उस पर भी मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये फिल्म कभी चलेगी, कोई देखेगा कि नहीं, क्योंकि मुझे एक चीज़ का पता था, जिन स्टूडेंट्स को लेकर मैं फिल्म बना रहा हूँ, कम से कम उनके कॉलेज के बच्चे तो देखेंगे। और ये बात सच भी साबित हुई जब मैंने गार्की कॉलेज में अपनी फिल्म को पहली बारी स्क्रीन किया। वहाँ पे मेरी मित्र, महिला मित्र भी थी, जिसने मेरी काफ़ी मदद की। वो स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके लाना, पूरा हॉल खचा खच भरा हुआ था। और उनमें से एक जो आर्टिस्ट है, अभी फीचर फिल्म में भी आती है, वो काफ़ी फिल्मों में आ चुकी है, लेकिन मैं उसका नाम नहीं लूँगा, क्योंकि मैं ये पसंद नहीं करूँगा कि मैं ये दुनिया को बताऊं कि कभी मेरी फिल्म में किसी ने काम किया था, आज वो एक सफल कलाकार है। पता नहीं क्यों। हाँ, वैसे मैं बताना चाह रहा था कि आप कोई भी काम करते हो, कहाँ तक पहुँच सकता है आप खुद भी नहीं जानते। तो अभी जिस लड़की ने मुझसे ये बात पूछी कि वो फीचर फिल्म बनाना चाह रही है, तो उसने ड्यूरेशन बताया था 1 घंटे से 90 मिनट, मतलब 60 मिनट या 90 मिनट की वो फिल्म बनाना चाह रही है। अगर तो वो ये चाहती है कि वो फीचर फिल्म बनाना है, लेकिन साथ में शर्तें नहीं रखती कि ये बाद में मैं रिलीज़ कर पाऊंगी कि नहीं, इसको लोग देखेंगे कि नहीं, इस फीचर फिल्म को लोग पसंद करेंगे कि नहीं, तो सारी समस्याएं वहीं ख़त्म हो जाती हैं। क्योंकि आपके मन में एक विचार आया है, और ये लड़की काफ़ी समय से एक्टिंग कर रही है, फिल्में भी बनाई है इसने। मुझे ये नहीं पता इसने फीचर लेंथ की फिल्में बनाई हैं कि नहीं, शायद नहीं बनाई है, इसलिए इसने पूछा होगा मुझसे। तो मैं उसको यही बताऊंगा, जो कि ये देखेगी, वो मैं इसको लिंक भेजने वाला हूँ, कि शर्तें मत रखना। बाकी बात रही कैमरे की, कैमरा कोई भी DSLR उठा लो, जो 25-30 के ऊपर होगा, उसका सेंसर वगैरह अच्छा ही होगा, रिलीज करने लायक तो होगा। क्योंकि ये थोड़े साल पहले, 5-7 साल पहले किसी ने फिल्म बनाई थी, 40-45 हज़ार का कैमरा था, वो ऐसे ही कैमरा होगा, DSLR कैमरा। अगर हो सकता है कि लाइटिंग अगर कम करनी है, लाइट का जुगाड़ कम है, तो हाई एंड कैमरा उठाना पड़ता है, क्योंकि उसका सेंसर जो होता है, फुल फ्रेम होता है, उसके जो
लाइट की सेंसिटिविटी है वो अच्छी होती है, तो वहाँ लाइटें कम लगती हैं। बाकी अगर लाइट वाइट का अंदाज़ा हो जो भी कैमरा कर रहा है, काफ़ी हद तक स्क्रीन में देख के भी आपको पता लग जाएगा कि लाइटिंग कैसी हो रखी है। बाकी स्टोरी के ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसी स्टोरी शूट कर रहे हो, आउटडोर कितना है, इंडोर कितना है, कितने दिन का शूट है। बाकी आर्टिस्टों को आप पेमेंट कर रहे हो या दोस्तों को लेकर ही बना रहे हो, तो बजट भी इस पे डिसाइड हो जाएगा। बाकी खाना पीना जो हम रोज़ करते ही हैं वो तो खर्चे होने ही हैं, मतलब एक ऐसा तो है नहीं कि अगर तुम फीचर फिल्म नहीं बना रहे तो उन दिनों तुम खाना नहीं खा रहे, उन दिनों भी खा रहे हो, तो खाने पीने का तो एक तरह से सेम ही है, जो आप बाकी दिन खाते हो वही खाना पीना है आपका। बाकी हाँ ये हो सकता है अगर आपने क्रू मंगाया है बाहर से या एक टीम लेके किसी और लोकेशन पे जा रहे हो, जैसे कि इस लड़की ने मुझे बताया कि ये लोकेशन आउटडोर है और आउट ऑफ सिटी है, तब तो ये आपको आपस में जितने मेंबर्स जा रहे हैं वो डिसाइड करें खाने पीने का आप लोग कैसे बंदोबस्त करोगे। और दिन रात शूट करने की बात हो रही है तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि शरीर को थोड़ा सा इतना तो रखना कि काम में असर ना पड़े, कि ऐसा ना हो कि आप आंखें बोझल हो रखी हों और आपकी कंटिन्यूटी टूटती हुई दिखे। क्योंकि हो सकता है कई शॉट्स आपने आज लिए और आप 12-15 घंटे या 20 घंटे सोए नहीं हो, फिर अगले दिन आपने फिर से शूट करना शुरू कर दिया, तो आपकी आंखों के नीचे जो बैग्स बन जाते हैं, मतलब थकान आपके चेहरे पर नजर आ जाएगी, तो वो कोशिश करना ना हो, अपना आराम समय से करना, मतलब ब्रेक लेते रहना वो ज़रूरी है, क्योंकि ये काफ़ी फर्क डालते, इसी से पता लग जाता है कि कितनी तेज़ी से बनाई गई है फिल्म। बाकी कैमरे के बारे में तो मैंने बताया, कुछ खास वो है नहीं, मतलब कैमरा कोई भी हो सकता है। बाकी लाइटें संगम से भी काम चल सकता है, अगर आउटडोर है तब तो मस्त है, क्योंकि सूरज की रोशनी में DSLR कैमरे बहुत अच्छे काम करते हैं। अल्टीमेटली रोशनी अच्छी मिलनी चाहिए कैमरे, लाइटिंग अगर अच्छी करोगे तो आपकी शूट अच्छी रहेगी। बाकी पोस्ट प्रोडक्शन में भी डिसाइड करना है ज़्यादातर। हाँ एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी आप शूट करते हो उस वक्त ये मत सोचना मैं इसको पोस्ट प्रोडक्शन में एडिटिंग में सुधार लूँगा या सुधार लूँगी, क्योंकि कई चीज़ें एडिटिंग में नहीं सुधर पाती। आवाज़ आप खेल सकते हो बाद में, लाइटिंग लाइटिंग अगर थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक, अगर आपको उस वक्त लग रहा है शूटिंग के वक्त कि प्रॉब्लम है तो थोड़ा समय लगा के वो उसको सॉर्ट आउट करना। बाकी मेकअप वगैरह भी ध्यान रखना, क्योंकि अगर सब्जेक्ट वैसा है, सब्जेक्ट के हिसाब से है, फिर भी जैसे कई लोग कहते हैं कि ज़ीरो मेकअप, उसमें भी मेकअप लगता है, कि जैसे अगर मेरे स्किन में पोर्स हैं तो पोर्स जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, तो मैं जब भी कैमरे के सामने जाता हूँ मैं फाउंडेशन नहीं लगाता, मेरे मुझे लाइट ज़्यादा चाहिए होती है फिर उस वक्त, क्योंकि ये बाउंस बाउंस बैक नहीं होती, पोर्स में जो है लाइट अब्सॉर्ब सी हो जाती है, तो इसको एक तरह से कि लाइट बाउंस बैक हो सकती है, कैमरा अच्छे से आपकी स्किन को समझ सके, उसके लिए फाउंडेशन वगैरह लगाना ज़रूरी होता है। बाकी ये आपके सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है आप कैसे खेलना चाहते हो। इसके अलावा जैसे अगर आपकी फीचर फिल्म बन जाती है फिर अब आप स्क्रीनिंग के लिए जाते हो, तो मैं उसके लिए भी थोड़ी सी बातें आपको बता देता हूँ। CBFC से आपको तो सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से। उसमें कुछ शर्तें होती हैं, जैसे आपकी फिल्म में बहुत सारी गाली गलौच नहीं होनी चाहिए या ऐसे सीन्स नहीं होने चाहिए जो मतलब अप्रूव ना करती हो सोसाइटी, मतलब समाज में जो आसानी से अप्रूव नहीं होती हैं, वो मैं आप समझ ही गए होंगे, जो एडल्ट सीन्स होते हैं बहुत ज़्यादा ग्राफिक नहीं होने चाहिए, मतलब अटपटा या गंदा ना लगे वैसा कुछ। बाकी गाली गलौच आपने नहीं करनी है और किसी के अगेंस्ट कोई बात नहीं करनी है, आपका सब्जेक्ट कहीं से छुड़ाया हुआ नहीं होना चाहिए, प्लस आप देश के अगेंस्ट कुछ ना बोलें, बहुत सारी चीज़ें जो कि जनरली भी हम जानते हैं, इसके लिए आपको रूल्स रेगुलेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो फीचर फिल्म की लेंथ के हिसाब से आपका जो CBFC का सर्टिफिकेट है 20,000 के आसपास लगेगा आपका, तो वो आपको पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है एज अ प्रोड्यूसर या डायरेक्टर या एज अ कंपनी, उसमें 1-2 दिन या हफ्ता लगता है जो चेक करते हैं आपके सारी डिटेल्स वगैरह, तो वो अगर आप एक बार CBFC से रजिस्टर कर लेते हो खुद को, तो
तो उसके बाद वो हफ्ता 10 दिन जो है प्रोसीजर का लगता है, उसके बाद वो आपको पासवर्ड और आपका यूज़र आईडी दे देते हैं। उसके बाद आपने फिर से जैसे आपकी फीचर फिल्म कंप्लीट हो गई, अब यहाँ एक और चीज़ आपको करनी होती है कि जितनी लेंथ की आपने फीचर फिल्म बनाई, आपके जितने भी डायलॉग्स हैं फिल्म के, उसको आपको ट्रांसक्राइब करके और अंग्रेजी में ट्रांसलेट भी करना है अगर आपको फेस्टिवल्स वगैरह में फिल्म भेजनी है तब भी, और सर्टिफिकेशन के वक्त भी, क्योंकि वो इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर मान लो कोई सीन या कोई शॉट जो है CBFC में अप्रूव नहीं किया, वो हटवाना चाह रहे हैं या कटवाना चाह रहे हैं, तो वो ड्यूरेशन टाइम कोड वहाँ पे होना ज़रूरी है, प्लस ट्रांसलेशन होना ज़रूरी है सब टाइटल्स में जैसे कि अंग्रेजी में। तो ये एक एडिशनल आपको काम करना पड़ेगा। तो कोशिश कीजिएगा जब आप एडिटिंग कर रहे हो तो इसकी तैयारी भी आप रखें कि जो डायलॉग बोलने जा रहे हैं उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो नीचे चल रही हो साथ के साथ, प्लस टाइम कोड आपकी फिल्म में लगा होना चाहिए ताकि CBFC वाले अगर कहीं पे करेक्शन चाहते हैं या कोई सीन हटवाना चाहते हैं या कहीं पे डिस्क्लेमर लगवाना चाहते हैं, डिस्क्लेमर यानी कहीं पे अगर आर्टिस्ट सिगरेट पी रहा है या शराब पी रहा है तो आपको वहाँ डिस्क्लेमर लगाना होता है। प्लस अगर आप जानवरों का यूज़ कर रहे हो तो आपको अपनी फिल्म में एक वेटरनरी डॉक्टर को ले जाना होता है साथ में, उसका सर्टिफिकेट चाहिए होता है, और वहाँ पे आपको फिल्म की शुरुआत में भी एक डिस्क्लेमर देना होता है कि इस फिल्म में आपने किसी जानवर का इस्तेमाल नहीं किया। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। बाकी अगर आप जैसे प्राइवेट स्क्रीनिंग वगैरह करना चाहते हो या कई फिल्म फेस्टिवल्स हैं जो कि सर्टिफिकेट्स नहीं मांगते CBFC वगैरह, तो आप फेस्टिवल्स में भेज सकते हो, लेकिन मैं तो अपनी तरफ से आपको इस आपको खासतौर पर इस लड़की को सलाह दूंगा कि CBFC से सर्टिफिकेट लोगे तो एक तरह से अच्छा है कि आपको बाद में जो भागदौड़ करनी है, या कॉपीराइट का कभी अगर मसला आते कि आपकी फिल्म फेस्टिवल में चली और अच्छी निकल गई और किसी ने कॉपी करके बना लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। CBFC का सर्टिफिकेट अगर होगा तो कम से कम ये तो हो जाएगा कि हाँ ये आपकी फिल्म है, आपने इसका सर्टिफिकेट भी लिया है, तो ये आपका अपना सब्जेक्ट है। कोशिश यही करना किसी का चुराया हुआ सब्जेक्ट ना हो, आपका अपना सब्जेक्ट हो। बाकी कैमरा लाइट लोकेशन ये सब मायने नहीं रखते हैं, फिल्म बनाना मायने रखता है, फीचर फिल्म बनाना मायने रखता है। जैसे कि मैंने बताया अपने अनुभव से, मैंने जब भी किया मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था उसको मैंने वेंट आउट किया किसी तरह, फिल्म के जरिए या किताब के जरिए या जो भी मैं करना चाह रहा था, एक तरह से प्रवचन सा लग रहा होगा। मैं भी जैसे कि मैंने बीच में बताया मैं फीचर फिल्म बनाने की कोशिश काफ़ी समय से कर रहा था लेकिन सब्जेक्ट नहीं मिल रहा था, और जब तक सब्जेक्ट मिलने की बारी आई तब मुझे लगा मैं खुद ही उसमें एक्ट करूँगा, तो मुझे उस वजह से भी अब समय लग रहा है क्योंकि अब मुझे ये समझना है कि कैसा वाला एक्टिंग कर लेता हूँ। तो अल्टीमेटली शायद मैं बायोग्राफी बनाऊंगा अपने ऊपर, जिसपे मैंने बताया मैं 1.5 घंटे के आसपास की शूट कर चुका हूँ। तो अंत में यही कहूँगा ऑल द बेस्ट जो भी फीचर फिल्म बनाना चाह रहे हैं या शॉर्ट फिल्म बनाना चाह रहे हैं या कोई भी फिल्म बनाना चाह रहे हैं, कि इसमें जो आप इस्तेमाल में ला रहे हो मोबाइल कैमरा हो सकता है, वो DSLR कैमरा हो सकता है, वो महंगा वाला कैमरा हो सकता है। अगर आप थोड़ा बहुत खर्चा करते हो, मान लो आपके पास कैमरा नहीं है तो आप हायर कर सकते हो, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं है कैमरे DSLR, जैसे कैनन का 5D Mark IV या Mark II जो भी है आप ले सकते हो, 3-3.5 हज़ार किराया लगता है उसका पर डे। तो दिल्ली में अगर आप हायर करते हो तो 3.5 हज़ार मतलब एक 24 घंटे के लिए मान लेते हैं, मुंबई की तरह नहीं है, मुंबई में एक शिफ्ट का माना जाता है वो 3 हज़ार या 3.5 हज़ार, दिल्ली में आपको ये रियायत मिल जाती है कि आप रात को भी शूट कर लो। अगर आपकी एक दिन की शूट है तो आप 3.5 हज़ार में आपका कैमरे का काम जो है वो निपट जाता है। अब इस वक्त आप देख रहे हो कि जो मैं फ्रेमिंग कर रहा हूँ वो भी अटपटी सी लग रही होगी, या तो मेरा माथा कट रहा होगा या मेरी ठोड़ी कट रही होगी, फिर देख पा रहे, तो ये मैं जानबूझ के कर रहा हूँ सिर्फ ये बताने के लिए कि कोई सेट रूल नहीं है कि आप कैसे फीचर फिल्म बनाओगे, आप कैसे फ्रेमिंग करोगे, आप कैसे कैमरा मूवमेंट करोगे, सब आपने डिसाइड करना है, आपकी अपनी चीज़ है। जैसे आप खाना बनाते हो आपने डिसाइड करना है आपको कितना नमक डालना है, आपको कितने मसाले डालने हैं, आपको प्याज डालना है कि नहीं डालना। तो अल्टीमेटली दिमाग में अगर आया है
फीचर फिल्म बनाना है तो बनाओ, ऑल द बेस्ट। शॉर्ट फिल्म बनाना है शॉर्ट फिल्म बनाओ, जो करना है करो, समय रहते करो, जब मन में आता तभी कर लो, ज़्यादा बेटर रहता है। अगर लगता है एडिटिंग के वक्त कि थोड़ी और पॉलिश की जा सके, फिर से शूट कर लो, बहुत बड़ी बात नहीं है। अब मैं बहुत बोल चुका हूँ, मैं यही इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये अब तक का शायद मेरे यूट्यूब का प्रवचन वाला थोड़ा लंबा वीडियो है।